हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरोलिया क्लासेस। स्टूडेंट, दिस इज थर्ड सेशन ऑफ क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, इन सेशन टू वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 2.1। सो टुडे इन दिस सेशन वील कंटिन्यू टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। So this is question number 1 part 4. We have to subtract 4 upon 15 from 9 upon 11. Okay, to subtract 4 upon 15 from 9 upon 11, first we will make the denominator same. तो देखिए हमें कैसे करना होता है। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। 11 और 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर। तो देखिए जब दोनों डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं तो हम कैसे करते हैं सबट्रैक्शन। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करते हैं, 15 का मल्टीप्लाई 9 में कर देते हैं, 11 का मल्टीप्लाई 4 में, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 15 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 इंटू 15 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 इंटू 11, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 11 इंटू 15। ओके, नाउ 15 9 जा 135, 11 4 जा 44। ओके, और नीचे 11 इंटू 15 5, ऊपर 155 में से 135 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 91 अपॉन में 11 इंटू 15। ओके, नाउ 91 अपॉन 11 इंटू 15 कितना होता है, 165। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है हमें, देखिए हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, इन तीनों फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो देखिए तीनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, 10, 5 और 2। हमें क्या करना होगा, तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो देखिए हम क्या चेक करते हैं, तीनों का एलसीएम 10, 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द गिवन नंबर। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका टेबल हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 10, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 वन जा 10, तो 10 तीनों से डिविजिबल है, 10 से, 5 से, 2 से, यस, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे इसको, देख लेते हैं सॉल्यूशन को। तो हमें गिवन क्या है, 7 अपॉन 10, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 2। तो देखिए 7 अपॉन 10 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर सेम 10 है और 10 ही हमें चाहिए। अब देखिए 2 अपॉन 5 में हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 बनाना, तो क्या करेंगे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमिरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर 2 को हमें 5 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 बन जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर न्यूमिरेटर में भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए 7 अपॉन 10 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, 2 टू जा 4 और 5 टू जा 10, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम तीनों में से एक ही डिनोमिनेटर को लिखते हैं और ऊपर न्यूमिरेटर को ऐड करते हैं। तो देखिए 7 प्लस 4 प्लस 15, तो देखिए ऊपर तीनों डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ऊपर तीनों न्यूमिरेटर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26 अपॉन में 10।
अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और नीचे 2 5 जा 10, तो आंसर क्या होगा 13/5। ओके दिस इज आंसर। इसको देखिए 13/5 को हम अभी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है नीचे, तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 2 जा पे चलेगा, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर 3, तो आंसर क्या होगा हमारा 2/3/5। क्लियर, दिस इज आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दिस इज सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है, 2/3 में क्या ऐड करना है, 3/1/2। तो देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसमें क्या करना है हमें 2/1/3 में ऐड करना है 3/1/2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2/1/3 को कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके इसे 2 + 2 + 2/3, ठीक है। और देखिए 3/1/2 को कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके 3 + 1/2, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर होल पार्ट और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में जो यहाँ पर साइन होता है बीच में, वो कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए +2 and +3 दोनों कितना हो जाएगा +5 और ये 2/3 और यहाँ पर 1/2। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कैसे करते हैं दोनों को ऐड, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे क्या करा हमने, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हुआ 2 × 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 × 3 और नीचे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, ठीक है। तो देखिए 5 को एज इट इज यहाँ पे लिखा है, 5 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 और अपॉन में 3 × 2, ठीक है। अब देखिए 5 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर 5 को एज इट इज लिखेंगे, 7/6 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 6 को एज इट इज लिखेंगे और 6 1 जा 6, 1 पर चलेगा और रिमाइंडर 1, तो इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 5 + 1, देखिए 1 1/1 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1/6 को लिख सकते हैं 1 + 1/6, ठीक है, ब्रेक करके, तो देखिए ये 1 और ये 5 मिलकर कितना हो जाएगा 6, यहाँ ये 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 1/6 ये 1/6 यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। अब देखिए 6 + 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/1/6 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 6/1/6, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे सेकंड मेथड से, तो देखिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 3 2 जा 6 और फिर उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और अपॉन में 3। फिर क्या करें, ये इस फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6 और फिर क्या करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 और अपॉन में ये 2। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं और दोनों ही डिनोमिनेटर कैसे हैं, कोप्राइम, तो हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 7 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 7 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 7 में करेंगे और नीचे दोनों का 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 × 3 बन जाएगा और नीचे 3 और 2 का मल्टीप्लाई 3 × 2। अब देखिए 7 2 जा कितना होता है 14 और 7 3 जा 21 अपॉन में 3 × 2। देखिए
14 प्लस 21 कितना होगा 35 और अपॉन में 3 into 2, ठीक है। ऊपर 35 को एज इट इज लिखेंगे, नीचे 3 2 6। अब देखिए ये हमें 35 अपॉन 6 कैसा फ्रैक्शन मिला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 6 को नीचे एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 5 कितना होता है 30 और 6 6 36, 36 तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 5 पे चलेगा, 6 5 30 और रिमाइंडर 5, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 5 whole 5/6, दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, टू मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसके भी दो मेथड हैं, इसको भी हम टू मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें इन मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना है। मिक्स फ्रैक्शन को जब ब्रेक करते हैं तो बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है, ये आपको याद रखना है। मिक्स फ्रैक्शन को जब हम होल पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करते हैं तो बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 whole 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 8 plus 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। और बीच में ये माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 3 plus 5/8, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर +8 plus 1/2, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो +3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और +5/8 क्या हो जाएगा, -5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए +8 and -3 दोनों को एक साथ रखेंगे, +8 -3, और इन दोनों फ्रैक्शन को एक साथ 1/2 and -5/8, ठीक है। अब देखिए 8 - 3 कितना होगा, 5। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 में से 5/8 को। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं है, दोनों के को प्राइम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 8, तो हम क्या करेंगे, दोनों एलसीएम को 8 बनाएं, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो 8 कैसे बनाएंगे, इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 को यहाँ पर एज इट इज लिखा है, 1/2 में क्या किया है, 1/2 में हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और इसको 5/8 को एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 को यहाँ पर हम एज इट इज ले लेंगे, 4 1 4 4 2 8, ओके, और 5/8 को यहाँ पर एज इट इज। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो चुके हैं, तो देखिए 5 को यहाँ पर एज इट इज लेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम है, तो दोनों में से एक को ही यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 4 minus 5, ठीक है। अब देखिए 5 plus 4 - 5 कितना होता है, -1 होता है, तो ब्रैकेट में इसे लिखेंगे -1, ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएंगे वरना, तो देखिए -1/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1/8 को, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 8 5 = 40, ठीक है, 8 5 = 40, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे, फिर 40 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1, 8 5 = 40 -1, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8, तो 40 - 1 कितना होता है 39 और अपॉन में 8, 39/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 4 = 32 होते हैं, 8 4 = 32 एंड रिमाइंडर 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट, देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 कितना होता है 17, तो इसे लिख सकते हैं 17/2। इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे कितना होता है 29/8 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमें क्या करने हैं, सेम करने हैं, तभी इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होता है 8, तो यहाँ पर भी हमें 8 बनाना होगा। यहाँ पर 8 कैसे बना सकते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, 4 का ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। तो हमने क्या किया, देखिए न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। 29/8 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 17 4 जा कितना होता है 68, 2 4 जा 8 माइनस 29/8। ठीक है, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो केवल एक को ही हम लेंगे ऊपर, 68 माइनस 29, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 हो जाएगा और अपॉन में 8। इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, 8 का टेबल हम पढ़ेंगे। 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39, तो रिमाइंडर यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शंस गिवन है, इन्हें हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, देन उससे छोटा और देन उससे छोटा। तो ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, गिवन फ्रैक्शंस आर, हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शन गिवन है, 2/9 गिवन है, 2/3 गिवन है एंड 8/21 गिवन है। तो सबसे पहले इन्हें ये चेक करने के लिए इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें इनमें कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है, 3, 9 और 21। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 21 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 21 जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका टेबल हम पढ़ते हैं। तो देखिए 21 1 जा 21 21 1 जा कितना होता है 21, 21 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 9 से 3 से और 21 से नहीं होगा। तो फिर 21 2 जा कितना होता है 42, 42 तीनों से डिवाइड हो सकता है, बताइए 42 तीनों से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर 21 1 जा 21 22 जा 42 21 1 जा 21 21 2 जा 42 21 3 जा कितना होता है 63। अब देखिए 63 तीनों से डिवाइड हो सकता है, 9 3 और 21 से, यस ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स तीनों का एलसीएम क्या है 63 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीनों को तीनों डिनोमिनेटर को क्या बनाना होगा 63 बनाना होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, तीनों को हमें 63 बनाना है। तो देखिए 9 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 बनाने के लिए, 7 से। तो देखिए नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/9 को 2 × 7/9 × 7। अब देखिए 3 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 63 बन जाए, तो इसे 21 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये 63 बनेगा, 63 बनाना है ना, तो 63 बनाने के लिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। तो देखिए नीचे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 21 / 3 × 21। 21 को यहाँ पर हमें 63 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 21 × 3 और ऊपर 8 × 3। अब देखिए इसको इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 2 जा 14 / 9 7 जा 63, 21 2 जा
42, 21, 3 जा 63, 8 3 जा 24 अपॉन में 21, 3 जा 63, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो केवल न्यूमरेटर चेक करते हैं। तो देखिए इन न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, 42, ठीक है। इट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है। और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, दिस वन, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देयर फोर 42 अपॉन 63 इज ग्रेटर देन 24 अपॉन 63 एंड 24 अपॉन 63 इज ग्रेटर देन 14 अपॉन 63, ठीक है। तो हमने इसको किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये कौन सा ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 42 अपॉन 3 क्या था हमारे पास, देखिए 42 अपॉन 3 मिडिल वाला है ना, तो ये हमारे पास था 2 अपॉन 3, तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3। और ये 24 अपॉन 63 क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास 8 अपॉन 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 अपॉन 21 और बाकी ये 2 अपॉन 9। तो हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तीनों को अरेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें गिवन फ्रैक्शन क्या क्या है, देखिए गिवन फ्रैक्शंस आर 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, 7 अपॉन 10। तो देखिए ये हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों में कंपेयर करना है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर क्या क्या है, 5, 7, 10। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर सर्च करना है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, 5 से भी, 7 से भी और 10 से भी। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, एलसीएम, जो तीनों से डिवाइड हो जाता है उसे क्या कहते हैं, एलसीएम। तो इट मीन्स हमें तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका टेबल हम पढ़ते हैं। तो देखिए उसका यहाँ पर 10 का टेबल लिखेंगे, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, 10 फोर जा 40, 10 फाइव जा 50, 10 सिक्स जा 60। अब देखिए इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, 10 तीनों से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 20 तीनों से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 30 हो सकता है तीनों से, नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होगा, 10 सेवन जा 70। तो देखिए 70 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स तीनों का एलसीएम क्या होगा, 70, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तीनों के डिनोमिनेटर को 70 बनाना होगा। तो देखिए 70 कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को चेक कीजिए, फर्स्ट फ्रैक्शन को चेक कीजिए 1 अपॉन 5, तो 5 को 70 कैसे बना सकते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 14 का। तो हम देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को यहाँ पर 70 कैसे बना सकते हैं, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का। तो हमने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर 10 को कैसे 70 बना सकते हैं, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। तो 10 इंटू 7 लिखा, तो ऊपर भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 14 वन जा 14, 14 फाइव जा 70, 10 थ्री जा 30 और 10 सेवन जा 70, 7 सेवन जा 49 और अपॉन में 70। अब आप चेक कीजिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अब न्यूमरेटर चेक करते हैं, न्यूमरेटर देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 49 बड़ा है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन क्या होगा, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज थ्री नंबर्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 14 अपॉन 30 सबसे छोटा फ्रैक्शन है इन तीनों में। तो इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 49 अपॉन 70 को लिखेंगे, 49 अपॉन 70 इज ग्रेटर देन 30 अपॉन 70 एंड 30 अपॉन 70 इज ग्रेटर देन 14 अपॉन 70, ठीक है। तो हमने किस में अरेंज किया है तीनों को, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसको हम इनकी रियल वैल्यू लिख देते हैं, 14 अपॉन 70 की रियल वैल्यू क्या है, जो गिवन है हमें 7 अपॉन
10 की मीन है 30 अपॉन 7 की रियल वैल्यू हमें क्या की मीन है 3 अपॉन 7 और 14 अपॉन 17 1 अपॉन 5. इट मीन्स द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर 7 अपॉन 10 3 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन 5. दिस इज आंसर. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर सभी जानते हैं क्या होता है. देखिए मैजिक स्क्वायर क्या होता है, ऐसा स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर कहते हैं जिसकी फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम, थर्ड रो का सम और फर्स्ट कॉलम का सम, सेकंड कॉलम का सम, थर्ड कॉलम का सम, फर्स्ट डायगोनल का सम और सेकंड डायगोनल का सम सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है. क्या क्या सेम होना चाहिए, सभी रो का सम, ऑल रोज का सम सेम होना चाहिए, ऑल कॉलम का सम सेम होना चाहिए एंड बोथ डायगनल्स का सम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे स्क्वायर को हम कैसा कहते हैं, मैजिक स्क्वायर. ऐसे स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर कहते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है ये जो हमें गिवन स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसमें सम फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो का सम फाइंड करेंगे, सेकंड रो का, थर्ड रो का, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, फर्स्ट डायगनल का, सेकंड डायगनल का, सबका हमें क्या करना होगा, सम फाइंड करना होगा. अगर ये सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे तो हम वी कैन से दैट दिस स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर. ठीक है. तो चेक कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 को हम करते हैं. सम ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कौन कौन से नंबर हैं, 4 अपॉन 11, 9 अपॉन 11, 2 अपॉन 11. तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो तीनों में से एक को ही ले सकते हैं, यहाँ पे 11. और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 11. 15 अपॉन 11 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 होल 4 अपॉन 11. तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट रो कितना होगा, 1 होल 4 अपॉन 11. अब फाइंड करते हैं सम ऑफ सेकंड रो. देखिए सम ऑफ सेकंड रो देखते हैं, सम ऑफ सेकंड रो में कौन कौन से नंबर फ्रैक्शन है, 3 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, 7 अपॉन 11. तीनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो तीनों में से एक को ही यहाँ पर लेंगे और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 11 ही. सेकेंड मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1 होल 4 अपॉन 11. इसके बाद क्या करते हैं, सम ऑफ थर्ड रो फाइंड करते हैं. सम ऑफ थर्ड रो कितना होगा, 8 अपॉन 11, 1 अपॉन 11, 6 अपॉन 11. ठीक है. तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर एक को ही लिख लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 11 और ये भी क्या होगा, 1 होल 4 अपॉन 11. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सभी हमने सम ऑफ फर्स्ट कॉलम फाइंड किया वो भी कितना है, 1 होल 4 अपॉन 11. सम ऑफ सेकेंड कॉलम हमने फाइंड किया तो वो भी कितना होगा, 1 होल 4 अपॉन 11. इसके बाद हमने क्या किया, सम ऑफ थर्ड कॉलम फाइंड किया तो वो भी कितना आया हमारा, 1 होल 4 अपॉन 11. इसके बाद डायगनल फाइंड किया हमने, सम ऑफ फर्स्ट डायगनल तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट डायगनल भी कितना आएगा, 1 होल 4 अपॉन 11. और सम ऑफ सेकेंड डायगनल कितना है वो भी 1 होल 4 अपॉन 11. तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, सिंस ये सिंबल क्या होता है, सिंस का सिंबल होता है सिंस सम ऑफ इच रो, इच कॉलम एंड इच डायगनल इज सेम. ठीक है. देयरफॉर गिवन स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर. ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर. तो समझ में आया मैजिक स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं. अब देखिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर. तो देखिए एक यहाँ पर हमें पेपर सीट गिविन है, रेक्टेंगुलर पेपर सीट गिविन है. ठीक है. इस रेक्टेंगुलर पेपर सीट में इसका लेंथ हमें कितना गिविन है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर. तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, सिंस लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड ब्रिथ कितना गिविन है इसका, ब्रिथ इज इक्वल टू 10 होल 2/3 सेंटीमीटर. ठीक है. ब्रिथ और लेंथ, लेंथ और ब्रिथ हमें यहाँ पर दोनों इसका गिविन है. हमें क्या फाइंड करना है, इसका
पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो इसकी बाउंड्रीज का हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे सम, तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रिथ को दोनों को ऐड करेंगे, उसका क्या कर देंगे फिर डबल। तो देखिए लेंथ और ब्रिथ को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू, यहाँ से यहाँ तक का हमें सम मिल जाएगा, हमें चाहिए पूरा सम। तो इसका यहाँ से यहाँ तक दोनों को ऐड करके उसका हम क्या करेंगे, डबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, लेंथ प्लस ब्रिथ का डबल। ठीक है, तो इसे लिखते हैं डबल ऑफ किसका डबल, लेंथ प्लस ब्रिथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, लेंथ हमें कितना गिवन है, 12 होल 1/2, प्लस ब्रिथ कितना गिवन है हमें, 10 होल 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू, इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस 1/2, और इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2/3। तो देखिए 2, ठीक है, देखिए 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22, 1/2 एंड 2/3 को यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एंड 2/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको 2 इंटू 22 प्लस, अब देखिए दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर को प्राइम है, तो हम कैसे करेंगे इनका दोनों को ऐड कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 2 का और 3 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 22 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा, 7, और अपॉन में 6। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमें फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट में हमें 20, इस ब्रैकेट में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पहले 22 में करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7/6 में करेंगे। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22, बीच में ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस फ्रैक्शन में करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7/6। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 22 टू जा कितना होता है, 44 प्लस, देखिए 2 से 2 3 जा कितना होता है, 6, तो 2 3 जा 6 डिवाइड हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 7/3। ठीक है, अब देखिए ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 44 को तो एज इट इज यहाँ पर लेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/3। ठीक है, अब देखिए दोनों को कैसे ऐड करेंगे, 44 और ये प्लस 2 कितना हो जाएगा, 46, और फ्रैक्शनल पार्ट 1/3, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 46 होल 1/3। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर शीट। तो क्या लिखेंगे, दस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC एंड द रेक्टेंगुलर एंड द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो हमें क्या करना है, ट्रेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, और नीचे देखिए ये हमें ट्रेंगल गिवन है, इस ट्रेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, और नीचे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, और इसके बाद क्या करना है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, फिर हमें दोनों में कंपेयर करके बताना है कौन सा पेरीमीटर बड़ा है, ग्रेटर है। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए साइड्स ऑफ ट्रेंगल AB लिख लेते हैं, सबसे पहले साइड ऑफ ट्रेंगल AB क्या है, देखिए साइड ऑफ ट्रेंगल AB में AB लेंथ कितना गिवन है हमें, 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और BE लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पर BE लेंथ 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, और AE
कितना गिवन है 3 और 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर, तो तीनों हमें ये क्या गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करेंगे तीनों साइड का हमें क्या करना है सम फाइंड करना है। तीनों साइड का सम क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए बी प्लस बी प्लस ए तीनों साइड्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए ए बी का लेंथ कितना है 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी का लेंथ कितना है 2/3/4, ए का लेंथ कितना है 3/3/5। तो देखिए तीनों को हमें क्या करना है इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहले 2+2 और +3 को अलग निकाल के रख लेते हैं 2+3, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं 5/2, 3/4 एंड 3/5, ठीक है। अब देखिए 2+3 कितना होगा 5। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर हमें क्या करने पड़ेंगे सेम, ठीक है। तो सेम करने के लिए तीनों का एलसीएम चाहिए। तीनों का एलसीएम क्या होगा एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर हमें देखना है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए जो बड़ा नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं टेबल लिखते हैं। तो 5 1 5, 5 तीनों से डिवाइड हो सकता है नहीं, 5 2 10, 10 तीनों से डिवाइड हो सकता है नहीं, 5 3 15, 15 तीनों से डिवाइड हो सकता है नहीं, 5 4 20 भी तीनों से डिवाइड, 20 तीनों से डिवाइड हो जाएगा 2 से भी 4 से भी 5 से भी। इट मीन्स 20 इज़ द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें एलसीएम फाइंड हो गया 20। अब क्या करेंगे तीनों डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है 20 बनाना है, ठीक है। तो देखिए तीनों डिनोमिनेटर को हमें 20 बनाना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5, तो यहाँ पर 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 को एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, 10 5 जा 50, 10 2 जा 20, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, ठीक है। अब देखिए तीनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो यहाँ पर तीनों में से एक को ही लिख सकते हैं ऊपर 50 + 15 + 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 तो एज इट इज ही रहेगा, 5 को एज इट इज यहाँ पे भी लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 77/20। अब देखिए ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 को तो यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, 20 को एज इट इज नीचे, 20 3 जा 60 और 60 + 17 कितना होता है 77। तो देखिए अब हमें क्या करना है इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3+, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बीच में, 3+17/20 और 3 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/17/20 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो नीचे रेक्टेंगल गिवन है। अब हमें क्या करना है नीचे के रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हमें इसकी सभी साइड्स का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए लेंथ और ब्रिथ को ऐड करके उसका हम क्या करेंगे डबल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा चारों साइड का सम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2/3/4 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे लेंथ प्लस ब्रिथ का क्या करेंगे डबल। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 2 को एज इट इज यहाँ पे लेंगे, लेंथ कितना गिवन है हमें 2/3/4 और ब्रिथ कितना गिवन है 7/6, ठीक है। अब देखिए 2 को यहाँ पर एज इट इज इसे हम 2/3/4 को ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 1/1/6, ठीक है। अब देखिए दोनों का होल पार्ट +2 एंड +1 दोनों को एक साथ यहाँ पर लिखेंगे 2+1 और देखिए इसका फ्रैक्शन पार्ट 3/4 और इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/6 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 को
यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 12। 12 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना होगा। तो 12 बनाने के लिए 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर तो 2 रहेगा, 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 2 जा 2, 6 2 जा 12, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो इनमें से एक को ही ले सकते हैं ऊपर, 9 प्लस 2, ठीक है। आप देखिए 2 इंटू 3 प्लस 9 प्लस 2, 11 अपॉन 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ब्रेकेट में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 11 बाई 12 में करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 11 बाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 बाई 12, ठीक है। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 से 2 6 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 6, ठीक है। अब देखें इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 6 को एज इट इज लिखेंगे, 11 अपॉन 6 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1 होल 5 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए दोनों को ऐड करना है, 6 को और 1 होल 5 अपॉन 6 को, तो 6 प्लस 1 कितना होता है, 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 होल 5 अपॉन 6 आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, हमें देखिए दोनों पैरीमीटर फाइंड हो चुके हैं, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए दोनों पैरीमीटर, ये पैरीमीटर किसका है, ये पैरीमीटर किसका है, ट्रायंगल का पैरीमीटर है, और ये किसका पैरीमीटर है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ध्यान से देखो कौन सा बड़ा है। देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या गिवन है हमें, इसे हम देखिए इसमें होल पार्ट कितना है 8, इसमें होल पार्ट कितना है 7, तो इसे हम कह सकते हैं ये 8 से कुछ ज़्यादा है और ये 7 से कुछ ज़्यादा है। इसे हम कह सकते हैं 8 से कुछ ज़्यादा है बट 9 से कम, और ये कितना है, 7 से कुछ ज़्यादा है बट 8 से कम। समझ में आ रहा है ना, देखिए इसको दोबारा समझिए, ये कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 8 से कुछ ज़्यादा बट 9 से कम, और ये कितना होगा, 7 से कुछ ज़्यादा बट 8 से कम। तो बताइए कौन सा इनमें ज़्यादा होगा, तो ये फ्रैक्शन ही बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 8 से ज़्यादा है और ये क्या है, 8 से कम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 होल 17 अपॉन 20 इज़ ग्रेटर देन 7 होल 5 अपॉन 6, ठीक है। इट मीन्स पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर छोटा है और ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।